वेल हेलो फ्रेंड्स, गुड मोदी के मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इसके बारे में। जी हाँ, तो जॉइंट पेन को हम कैसे, जॉइंट पेन से बच सकते हैं, उसके लिए क्या सप्लीमेंट हमें यूज करना होगा, कितना कितना यूज करना होगा, और वो सप्लीमेंट किन किन केसेस में यूज नहीं भी कर सकते हैं, तो सारे चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ये जो दो प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊंगा, वो दोनों के दोनों प्रोडक्ट इतना चमत्कारी है कि आपको 100% रिजल्ट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये एक सप्लीमेंट है लेकिन ये क्योर भी करता है, क्योंकि सप्लीमेंट क्या होता है कि प्रिवेंशन के लिए होता है ना। लेकिन ये जो सप्लीमेंट है, अगर इसको आप कंटिन्यू यूज करते हो 3 से 4 महीनों में आपको 100% रिजल्ट भी मिल जाता है। बहुत से केसेस में मिला है, इसीलिए मैं इतना मतलब गारंटी के साथ बोल रहा हूँ एक सप्लीमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। आप लोग देख रहे हैं मोदी केयर नियर यू, मैं हूँ अंशु। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो है दोस्तों अपना कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, और है अपना ग्लूकोसामाइन। कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के बारे में यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, बस इतना बताऊंगा कि हमारा जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स है वो सिर्फ कैल्शियम नहीं है, कॉम्प्लेक्स यानी कि बहुत सारे विटामिन्स उसमें मिला हुआ है। ठीक है, जो कि कैल्शियम को सपोर्ट करता है, क्योंकि रॉ कैल्शियम लेना भी ठीक नहीं है। और मार्केट में जो कैल्शियम आपको मिलता है वो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जब हमारे पेट के अंदर जाता है तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट के अंदर, उसके साथ वो रिएक्ट करता है और गैस्ट्रिक होता है। कभी भी कोई भी डॉक्टर आपको अगर कैल्शियम का दवाई लिख के दे रहा है तो उसके साथ वो एक गैस्ट्रिक का दवाई भी लिख देता है, यानी कि कैल्शियम खाओ और गैस्ट्रिक का जो बीमारी है या डिसऑर्डर है उसको भी उत्पन्न करो अपने शरीर में। ऐसा कोई डॉक्टर बताता नहीं है आपको कि कैल्शियम खाने से गैस्ट्रिक होता है बोल के, वो चुपके से लिख देता है। और कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है तो वो दोनों गोली एक साथ खाने लगते हैं। लेकिन हमारा जो कैल्शियम है उसमें क्या है, कैल्शियम मैलेट है, वो कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। जब वो आप उसको पेट के अंदर लेते हो, खाते हो, तो क्या होता है कि वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता है, बाकी काम 100% वही करता है जो कार्बोनेट कर रहा था, या उससे बेहतर करता है, लेकिन आपको गैस्ट्रिक नहीं होगा। बस कैल्शियम के बारे में इतना ही बताऊंगा, अगले एक वीडियो में डालूंगा कैल्शियम के बारे में, स्पेसिफिक कैल्शियम के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आज बात करते हैं ग्लूकोसामाइन क्या होता है। दोस्तों ग्लूकोसामाइन जो चीज है, ग्लूकोसामाइन पहले मैं आपको दिखाऊं कि ग्लूकोसामाइन जो चीज है, ग्लूकोसामाइन में लिखा हुआ है कि विथ बोसेलिया एंड कर्कुमिन। ठीक है, तो ग्लूकोसामाइन क्या चीज होती है? ग्लूकोसामाइन हमारे शरीर के अंदर दोस्तों एक ऐसा पदार्थ है जो कि आपके जोड़ों के पास में पाया जाता है। कहीं पे भी आपका दो हड्डी का मिलन को बोलते हैं जोड़ो, जो कि जोड़ होता है, जहीं पर जुड़ता है कहीं पे एक हड्डी, तो वहां पर क्या होता है, ग्लूकोसामाइन पाया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ आपका उम्र के बढ़ती उम्र के साथ साथ ग्लूकोसामाइन आपके शरीर में घटने लगता है और आपको बाहर से ग्लूकोसामाइन को लेना पड़ता है। ग्लूकोसामाइन दो तरह के दो टाइप का आता है, एक होता है ग्लूकोसामाइन सल्फेट और एक होता है ग्लूकोसामाइन डाइहाइड्रोक्लोराइड। तो जो सल्फेट फॉर्म में है वो ज्यादा इजीली आपके शरीर में मतलब डिजोल्व होता है, इसीलिए हमारा जो ग्लूकोसामाइन है इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, सल्फेट वाला मिलेगा, यानी कि ग्लूकोसामाइन सल्फेट, आप इसके पीछे ही पढ़ सकते हो, ग्लूकोसामाइन सल्फेट 2 किलो कैलोरी इसके अंदर, 2 KCL इसके अंदर मिलाया गया है। ठीक है, तो बस ग्लूकोसामाइन के बारे में इतना ही। अब बात करते हैं बोसेलिया, इसके अंदर जो चीज लिखा हुआ है कि बोसेलिया क्या होता है। दोस्तों बोसेलिया सेराटा ये एक प्लांट से लिया गया एक चीज है, ठीक है, एक तरह का प्लांट जो कि इंडिया में और अरब में ज्यादा देखने को मिलता है, हर एक जगह देखने को मिलता है, और उसी प्लांट से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। इसका क्या मेन जो इसका प्रॉपर्टी है क्या है, आपके शरीर में कभी भी आपको जोड़ों के दर्द कब होता है, चलिए इस फेनोमेनन को अच्छे से समझते हैं। वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, लेकिन बने रहिएगा, क्योंकि एक बार वीडियो देख लिए तो चढ़ बोलते जाएंगे प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट यूं ही खड़े खड़े बिकते रहेंगे और आप बीवी अर्न करेंगे। ठीक है दोस्तों, यही खासियत है हमारी चैनल की, अगर वीडियो लंबा है तो भी देखिए क्योंकि आपको नॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपको जोड़ों के दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके जो जॉइंट है उस जॉइंट के पास में एक उप अस्थि होता है, यानी कि जॉइंट में क्या होता है, हड्डी होता है, हड्डी को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थि बोलते हैं, अस्थि। तो उप अस्थि का नाम मतलब क्या है कि वो अस्थि से थोड़ा
कम डेंस होता है, यानी कि उसका जो डेंसिटी होता है वो कम होता है। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि वो बोन ही है, लेकिन वो जो बोन है वो एक रबर टाइप का है, ठीक है, उसको आप आसानी से बेंड कर सकते हो। और वो किस लिए होता है, क्योंकि जब दो लंबे लंबे बोन्स आपके मिल रहे हैं जहां पर जॉइंट हो रहा है, वहां पर वो कार्टिलेज अगर रहेगा तो वो क्या करेगा, दोनों को आपस में घिसने से बचाएगा। क्योंकि दोनों अगर आपस में घिस गए फिर हो जाएगी इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन, और सूजन के बाद आपको शुरू हो जाता है जॉइंट पेन। बस इतना ही फेनोमेनन है। कार्टिलेज अगर खत्म हुआ धीरे धीरे, समय के चलते चलते ग्लूकोसामाइन जैसे खत्म होता है आपके शरीर में, कार्टिलेज अपने आप छोटा होने लगता है या फिर उसका डेंसिटी खत्म होने लगता है। फिर क्या होता है, कार्टिलेज तो है नहीं और आपका दो बोन अच्छे से रगड़ रगड़ के एक दूसरे के साथ वहां पर इन्फ्लेमेशन यानी सूजन हो रहा है और आपको पेन शुरू हो जाता है, बस इतना बात है। तो ये जो बोसेलिया चीज इसमें मिलाया गया है, ये क्या करता है, आपके शरीर में ल्यूकोटेराइन के नाम से एक चीज उत्पन्न होता है जो कि आपके कार्टिलेज के हेल्थ को डैमेज करता है। तो ये चीज बोसेलिया क्या करता है, ल्यूकोटेराइन को किल करता है और आपके कार्टिलेज की हेल्थ को फिर से, डैमेज कार्टिलेज को फिर से अच्छा करने में, उसकी हेल्थ बढ़ाने में मदद करता है। तो कितना अच्छा चीज इसमें मिलाया गया है। और इसका जो प्रॉपर्टी है वो अपने आप में ही एंटी इंफ्लेमेटरी है दोस्तों, यानी कि कहीं पे सूजन हो रहा है तो ये उसको मिटा देगा, ठीक है। तो ये जो बोसेलिया चीज इसमें मिलाया गया है, बोसेलिया सेराटा जिसके बारे में बात कर रहा था मैं, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसमें मिलाया गया है। और आशा करता हूं कि जॉइंट पेन भी क्यों होता है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब दो हड्डी है, उसके अंदर का कार्टिलेज अगर धीरे धीरे डेंसिटी कम हो गया, हल्का हो गया, तो फिर हड्डी अपने आप में घिसते हैं और इन्फ्लामेशन होकर आपको पेन होता है, ठीक है दोस्तों। फिर बात करते हैं कि ये जो बोसेलिया चीज है वो किस किस चीज में और काम करता है। आपको ब्रेन ट्यूमर वगैरह नहीं होने देगा, आपके शरीर में कहीं पे गांठ नहीं बनने देगा, कोई भी टाइप का ट्यूमर हो, कोई भी टाइप का बड हो आपके शरीर में निकल रहा है ये होने ही नहीं देगा, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो या फिर कोई मसल बढ़ रहा है अननेसेसरीली, ये होने ही नहीं देगा, क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। फिर आपके लीवर में, कोलोन में, किडनी में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको भी ये रोक देगा। यानी कि ग्लूकोसामाइन का सेवन करने वाले लोगों के जोड़ों के दर्द तो 100% ठीक होंगे ही होंगे, उसके साथ आपके लीवर, किडनी, कोलोन वगैरह वगैरह चीज हेल्दी रहने वाले हैं। यही है, मतलब खासियत यही है मोदी करके सप्लीमेंट की, कि एक चीज लो और हजारों चीज भगा दो, हजारों प्रॉब्लम से मुक्ति पाओ, ठीक है। तो अब बात करते हैं कर्कुमिन क्या है। दोस्तों कर्कुमिन एक ऐसा तत्व है जिसको कि बहुत ही ज्यादा लोग यूज करते हैं इन्फ्लामेशन को फाइट करने में, और कर्कुमिन इजिली अवेलेबल है आपके रसोई घर में। जी हाँ, इजिली अवेलेबल है, लेकिन उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना मुश्किल है। जैसे कि आपके रसोई घर में हल्दी है और हल्दी से कर्कुमिन निकलता है, और कर्कुमिन को अगर एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया और उसको अगर सेवन कर रहे हैं तो इन्फ्लामेशन जहां पे भी हो रहा है वहां पर वो तो पूरा वार कर देता है कि इन्फ्लामेशन तू निकल। यानी कि इन्फ्लामेशन को एंटी इन्फ्लामेटरी, दोनों ही चीजें जो है एंटी इन्फ्लामेटरी है, और आपके जो जोड़ों के दर्द होते हैं उसको बिल्कुल बिल्कुल ठीक करेंगे, और वहां पर जो कार्टिलेज घट गया था उस कार्टिलेज को फिर से बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो इसका जो मैं बता रहा हूं कि इसको कितने दिन लेना है आपको, दोस्तों ग्लूकोसामाइन को आप लगभग 3 महीना तक लेंगे, लगभग नहीं पूरा 3 महीना लेंगे। इसका जो डोज है, कंप्लीट डोज लेंगे। इसका क्या डोज है, एक साथ 2 टेबलेट लेना है आपको दिन में 2 बार, यानी कि टोटल 4 टेबलेट आपको लेना है खाने के बाद, ठीक है। तो ऐसा आपको 3 महीना कंटिन्यू करना है। फिर 4th महीने में आप क्या करेंगे, इसका डोज आधा कर देंगे, यानी कि एक साथ 2 टेबलेट खा रहे थे दिन में 2 बार, एक बार एक ही बारी में एक ही टेबलेट खाएंगे दिन में 2 बार, यानी कि दिन में टोटल कुल मिला के 2 टेबलेट आप खाएंगे इसके अंदर जो टेबलेट है। फिर आपको 4th महीने में आधा कर देना है, 5th महीने में फिर से आधा कर देना है। अगर 5 महीने और 6 महीने तक कर सके तो और भी बढ़िया है, सोने पे सुहागा। 6 महीने तक अगर आपने कंटिन्यू कर लिया, अगले 10 साल तक शायद ही आपको जोड़ों के दर्द होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना, इसका बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। कुछ लोगों को 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को 30 दिनों में, कुछ लोगों को 45 दिनों में, कुछ लोगों को 2 महीने में, कुछ लोगों को 3 महीने तक का मैं ले रहा हूं यहां पे टाइम, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसको सीधा बंद ही कर देना है,
जैसे मैं बता रहा हूँ, इसको धीरे धीरे घटा के आपको बंद करना है। 3 या 4 महीने तक फुल डोज लीजिए, उसके बाद से 1 या 2 महीने आप हाफ डोज लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में बस इतना ही। अब मैं बताता हूं कि ये जो ग्लूकोसामाइन है इसको आपको किन किन केस में नहीं लेना है। पहले तो बात करेंगे दोस्तों, ग्लूकोसामाइन नाम है तो क्या इसके अंदर ग्लूकोज है कि नहीं? दोस्तों ग्लूकोसामाइन क्या आपके शरीर में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि डायबिटिक लोग इसको ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? यहां पर क्लियरली मैं आपको बोल दूं कि डायबिटिक पेशेंट इसको 100% ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ग्लूकोज को नहीं बढ़ाता है या फिर ऐसा कुछ इनबैलेंस, इंसुलिन इंबैलेंस वगैरह नहीं करता आपके शरीर में जिससे कि आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन हाँ एक सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी यहां। क्या? अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप डायबिटिक हैं और डायबिटिक के लिए कोई एलोपैथिक दवा का सेवन कर रहे हैं तो ये उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। बहुत कम दवाइयों के साथ रिएक्ट करता है और शुगर में उतार चढ़ाव हो सकती है। इसीलिए इसको सेवन करने से पहले आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, उसको बोलिए कि इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है सर पहले देखिए, और मैं जो एलोपैथिक का दवा खा रहा हूं उसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है और क्या मैं इसको ले सकता हूं, पूछिए और यूज कीजिए बेझिझक। अगर वो हाँ बोलते हैं तो यूज कीजिए, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं, हाँ एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं, बस जितना मैं बोल सकता हूं उतने तक का ही मैं बोल रहा हूं। फिर दोस्तों मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आपको आसानी से कोई भी समुद्री फिश यानी कि समुद्र के जो मछलियां होती है अगर उसको खाने से आसानी से आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि आंख में खुजली होना, आंख लाल हो जाना, स्किन में रैश पड़ जाना, खुजली होना, तरह तरह की चीजें होती है लोगों के साथ, और लगातार खांसी होना, सांस ना ले पाना, ऐसा चीजें होती हैं। अगर ऐसे चीज आपके साथ भी हो रहा है तो इसको पहले इस्तेमाल कीजिए, हाफ डोज इस्तेमाल कीजिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन, फिर धीरे धीरे आप इसको रेज कीजिए। 1 हफ्ता करीब हाफ डोज यूज कीजिए, फिर उसके बाद फुल डोज यूज कीजिए और देखिए अगर आपको कुछ नहीं हो रहा ऐसा चीज तो आप इसको यूज कर सकते हो। 99% में ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप सावधानी बरते, एक इन्फॉर्मेशन के तहत मैं आपको बता दे रहा हूँ। फिर दोस्तों जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर है यानी कि कहीं पे कट गया तो जल्दी सूखेगा नहीं, कहीं पे कट लग गया तो ब्लीडिंग होता रहेगा, चाहे एंटीबायोटिक खा लो कुछ भी लगा लो वो जल्दी सूखता नहीं है। कुछ लोगों का जैसे लेडीज में प्रॉब्लम होता है कि महीने में जो एक बारी प्रॉब्लम होता है लेडीज प्रॉब्लम, उसमें भी उनका जल्दी मतलब ब्लीडिंग खत्म नहीं होता है। तो जिनका ब्लीडिंग डिसऑर्डर है उनको भी इससे मतलब पहले हाफ डोज यूज करना है 1 हफ्ता, फिर डबल डोज यूज करना है, अपने आप को चेक कर लेना है इसके साथ कि क्या ग्लूकोसामाइन और अपना बन रहा है कि नहीं। ठीक है, नंबर 4, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो लोग प्लीज डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें, क्योंकि ये हाई ब्लड प्रेशर वाले जो गोली लेते हो आप उसके साथ ये रिएक्ट कर सकता है, तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करें। ऐसा नहीं है कि हर एक दवाई के साथ रिएक्ट करेगा, लेकिन कर सकता है। ठीक है, और इतना सारा चीज यहां पर मैं बता दे रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लूकोसामाइन को ही डिग्रेड कर दो, आप लोगों को देना ही छोड़ दो, खुद यूज करना ही छोड़ दो। मैं ये बता रहा हूं कि एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए, वहां से नतीजा आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करना अच्छा होता है। फिर दोस्तों मैं बता दूं आपको, जिनका किडनी का प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुका है उनको कतई ना दे। अगर किडनी का कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुका है, रिपोर्ट में निकल चुका है, किडनी का दवाई वगैरह वो खा रहे हैं, मेडिकेशन में है, उनको ये चीज टोटल में नहीं देंगे आप। फिर मैं बता दूं, जो लोग प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स यानी कि दूध पिलाते हैं कोई बच्चे को, या फिर अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उन लोगों को भी आपको नहीं देना है, तो उन लोगों को भी ये प्रोडक्ट आप नहीं दे सकते। तो बस इतना ही मैं बताना चाह रहा था आपको ग्लूकोसामाइन के बारे में इस वीडियो में आपको। ठीक है दोस्तों, जरूर से जरूर इस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कीजिए, और घर में अगर कोई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग लोग अगर हैं घर में और उनको प्रॉब्लम है तो उनको दीजिएगा। मैं अपना टेस्टिमोनी यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो अपना मेरे जो नाना जी थे उनको ये प्रॉब्लम था, वो 6 महीना भी यूज नहीं किए थे, 4 महीना यूज किए, और 4 महीना यूज करने के बाद उन्होंने 5th महीने में जैसा मैंने बताया हाफ डोज लिया, और 6th महीना लिया भी नहीं, और उनको ये चीज यूज करके करीब 2.5 साल से ऊपर हो चुका है, और 2.5 साल से कंटिन्यू उनको जोड़ों में दर्द नहीं हो रहा और वो इतने खुश हैं। ठीक है, उनका टेस्टिमोनी मैं रिकॉर्ड करना चाहता हूं लेकिन हिंदी में
इतना कंफर्टेबल नहीं है, वो अपने रीजनल लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल है, तो उनका टेस्टिमोनी मैं आपको हिंदी में नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो भी मैं बोल रहा हूँ 100% सत्य बोल रहा हूँ। तो दोस्तों बस इस प्रोडक्ट के बारे में इतना ही मैं आपको बताना चाह रहा था। ये जो दो प्रोडक्ट है, इन दोनों के जुगलबंदी से आप 100% जोड़ों के दर्द से मुक्त हो सकते हो, चाहे वो आपके कमर में हो, शोल्डर में हो, बैक पेन हो, वो चाहे आपके घुटने में हो, कहीं पे भी हो, लेकिन जोड़ों के दर्द से 100% आपको मुक्ति मिल सकता है। वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर से जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और मुझे एक मोटिवेशन मिले कि आप लोग मेरे साथ हो, इसीलिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। जितना लाइक होगा उतना ही ज्यादा लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगेगा। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करने की कोशिश करिए। जिन लोगों के साथ आपको नॉलेज शेयर करना है उन लोगों को तक इस वीडियो को जल्दी से जल्दी पहुंचा दीजिए। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जल्दी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आप और हम ऐसे ही मिले वीडियो के माध्यम से, और आपको नॉलेज मिलता रहे और आपको और हमको आपका साथ मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुद का ख्याल रखिए, हमें विदाई दीजिए, टेक केयर, गुड बाय एंड नमस्कार।